हेलो एवरीवन, पिछले चार वीडियोस में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्मार्ट आर्ट में लिस्ट लेआउट, हायरार्की लेआउट, प्रोसेस लेआउट और साइकिल लेआउट पर काम करना सिखा चुका हूं। अब मैं इस ट्यूटोरियल में आपको पिक्चर लेआउट के बारे में बताऊंगा। स्मार्ट आर्ट में पिक्चर लेआउट हमें मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में ऐसे ग्राफिक इंसर्ट करने के ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिनके साथ हम पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह हम अपनी लिस्टिंग, ऑर्गेनोग्राम, साइकिल्स और प्रोसेसेस के जो ग्राफिक्स से इसमें मजीद निकार और खूबसूरती पैदा कर सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू इंसर्ट पिक्चर लेआउट इन माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट आर्ट, आप इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें, स्मार्ट आर्ट का कमांड सेलेक्ट करें, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, इसमें से आप पिक्चर लेआउट पर क्लिक करें। तो इस तरह पिक्चर लेआउट के तहत फिर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। आप इसमें से अपनी पसंद का कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैं ये वाला करता हूँ, ठीक है, पिक्चर स्ट्रिप जिसको कहते हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है, ठीक है। इसमें बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास तीन टेक्स्ट बॉक्सेस है, यानी हम किसी भी तीन चीज़ों के नाम की लिस्ट यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जब मैं क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स एक्टिव हो जाता है और कर्सर आ जाता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से करूँगा, ठीक है। यहाँ पर जब मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो कर्सर आ जाता है। अब यहाँ पे मैं एंट्री करता हूँ, सपोज़ मैं कुछ स्पोर्ट्स की एंट्रीज करना चाहता हूँ, कुछ स्पोर्ट्स की एक लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले सपोज़ मैं लिखता हूँ क्रिकेट, ठीक है। अब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी तीन टेक्स्ट बॉक्सेज है, मुझे एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डाउन एरो की प्रेस करूँगा तो कर्सर नीचे सेकेंड टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ हॉकी, ठीक है। अब मैं दोबारा डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो कर्सर नीचे आएगा तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुटबॉल, ठीक है। अब चूंकि ये तीन टेक्स्ट बॉक्सेस थे, अब मुझे एक मज़ीद एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो नया टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए मैं एंटर प्रेस करूँगा। ये नया टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया इसी ग्राफिक में। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ वॉलीबॉल, ठीक है। अब मुझे एक और टेक्स्ट बॉक्स चाहिए इसी ग्राफिक में, तो मैं एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए एक नया टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया। सपोज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ बैडमिंटन, ठीक है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा ताकि एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो मैं इंटर प्रेस करूँगा, ये देखिए एक और टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो गया, ठीक है। और सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्वैश, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हर स्पोर्ट्स के बिल्कुल मतलब इसके साथ उसका पिक्चर भी आए, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्रिकेट के रिलेटेड कोई पिक्चर मुझे इंसर्ट करना हो तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा कि मैं अपनी फाइल को लोकेट करूँ, ठीक है। तो मैं क्रिकेट की जो पिक्चर की जो फाइल है मैं इसको लोकेट करूंगा, फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करूंगा, ठीक है। मेरे पास वो फाइल डेस्कटॉप पर है तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे मैं क्रिकेट का ये पिक्चर ये वाला सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और इंसर्ट प्रेस करूंगा, क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए क्रिकेट वाला पिक्चर आ गया। अब मैं सपोज हॉकी के मुतलिक जो पिक्चर है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए फिर मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि मैं अपनी फाइल को लोकेट करूँ, तो फ्रॉम अ फाइल पे मैं क्लिक करूंगा, अपने फाइल को डेस्कटॉप पर लोकेट करूंगा, ठीक है, हॉकी, ठीक है, ये हॉकी का इमेज है। इस पर डबल क्लिक करूँ तो भी ये इंसर्ट होगा, ठीक है। अब सपोज़ मैं फ़ुटबॉल की पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपनी पिक्चर को लोकेट करूँगा, डेस्कटॉप पर है मेरी सारी पिक्चर्स जो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फुटबॉल की जो पिक्चर है उसको सर्च करूँगा और उसको इंसर्ट करूँगा, ठीक है। फुटबॉल का पिक्चर भी इंसर्ट हो गया। अब मैं वॉलीबॉल की का पिक्चर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपनी पिक्चर फाइल को लोकेट करूँगा, ठीक है, वॉलीबॉल। तो ये देखो वॉलीबॉल का पिक्चर भी आ गया। अब बैडमिंटन की के रिलेटेड पिक्चर इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, अपने फाइल को लोकेट करूँगा, ठीक है, डेस्कटॉप पर है सारी मेरी फाइलें, इस पर डबल क्लिक करके भी मैं इसको इंसर्ट कर सकता हूँ। अब स्क्वैश का पिक्चर मैं इंसर्ट करूँगा, ठीक है। तो फ्रॉम अ फाइल लोकेट करूँगा अपनी पिक्चर फाइल को, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह हम अपनी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में मुख्तलिफ पिक्चर्स को भी डिस्प्ले कर सकते हैं।
अब मैं इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो फॉर्मेट्स अप्लाई करने के लिए सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ताकि ये स्मार्ट आर्ट ग्राफिक सेलेक्ट हो जाए। फिर मैं होम मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ। सपोज मैं इसको रखता हूँ 22, ठीक है। इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, इटैलिक भी कर सकता हूँ, और इसी तरह इसको लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन और राइट अलाइन भी कर सकता हूँ, और जस्टिफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं इसका कलर थीम भी चेंज कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं डिज़ाइन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ और इसी तरह चेंज कलर के कमांड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुख्तलिफ कलर थीम है। इसमें मैं अपनी पसंद का कोई भी कलर थीम पैक कर सकता हूँ। इस स्मार्ट आर्ट का मैं का स्टाइल भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यह स्टाइल के कमांड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुख्तलिफ स्टाइल्स अपीयर हो रहे हैं। किसी भी स्टाइल पर जब मैं अपना माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ तो ये मुझे नीचे प्रीव्यू भी दिखाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करें। इसी तरह मैं इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक से कोई टेक्स्ट बॉक्स डिलीट भी कर सकता हूँ और इसमें कोई नया टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स डिलीट करने के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करें, लेकिन इसके साथ साथ पिक्चर को भी सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो शिफ्ट की प्रेस करें और होल्ड रखें और पिक्चर पर भी एक बार क्लिक करें ताकि ये भी सेलेक्ट हो जाए, और फिर डिलीट की प्रेस करें तो इस तरह ये डिलीट हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का जो एडिट डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो सपोज मैं इसमें से ये हॉकी का जो टेक्स्ट बॉक्स है ये डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं हॉकी पर डबल क्लिक करूंगा ताकि ये सेलेक्ट हो जाए और डिलीट की प्रेस करूंगा। अब टेक्स्ट तो डिलीट हो गया लेकिन टेक्स्ट बॉक्स अभी भी है, तो टेक्स्ट बॉक्स डिलीट करने के लिए मैं एक बार बैक स्पेस प्रेस करूंगा, ठीक है। तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसमें कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहे, फॉर एग्जांपल हम वॉलीबॉल के बाद एक और स्पोर्ट्स की एंट्री करना चाहते हैं तो हम वॉलीबॉल के एंड पे क्लिक करेंगे ताकि कर्सर आ जाए और एक बार इंटर प्रेस करेंगे तो इसी तरह एक नया डायलॉग बॉक्स वॉलीबॉल के बाद इसमें इंसर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मुतालिका स्पोर्ट्स की एंट्री करें और एंट्री करने के बाद फिर यहाँ पे क्लिक करके आप पिक्चर को भी लोकेट करके इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस स्मार्ट आर्ट ग्राफिक पर दीगर फॉर्मेट अप्लाई करना चाहे तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को सेलेक्ट करें, लेआउट के कमांड पर क्लिक करें, ठीक है। तो ये देखिए मुख्तलिफ फॉर्मेट्स है, ये देखिए ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी पसंद का कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। लेकिन फिर जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपने फिर प्रॉपरली अपने टेक्स्ट को भी अलाइन करना होगा और अपने टेक्स्ट बॉक्सेस को भी अलाइन करना होगा। तो हम इसको समझते हैं, सपोज़ मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो इसमें देखिए अभी ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस ये भी प्रॉपरली अलाइन नहीं है और जो टेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर ये भी प्रॉपरली अलाइन नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस को पहले सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट करता हूँ, इस तरह ये सेलेक्ट हो गए। अब इनको स्ट्रेच करता हूँ ताकि इनकी जो विड्थ है ये ज्यादा हो जाए। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं अब ये देखिए ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है ये पिक्चर इसके लेफ्ट में आना चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स का भी पिक्चर लेफ्ट में आना चाहिए और इसका भी लेफ्ट में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को, इसको और इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, शिफ्ट के साथ, और फिर राइट एरो प्रेस करता हूँ ताकि ये टेक्स्ट बॉक्सेस बिल्कुल राइट पे आ जाए, ठीक है। अब मैं पिक्चर्स सेलेक्ट करूँगा इन्हीं टेक्स्ट बॉक्सेस का, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ, फिर इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ और फिर इस पिक्चर को सेलेक्ट करता हूँ और फिर इनको क्लिक करके होल्ड रख कर ड्रैग करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको इन पिक्चर्स को अलाइन करता हूँ, ठीक है। अब ये टेक्स्ट बॉक्सेस जो है ये वाला और ये वाला ये लिफ्ट में आने चाहिए, ठीक है। तो इनको लिफ्ट मिलाने के लिए मैंने सेलेक्ट किया और अभी मैं लिफ्ट एरो प्रेस करूँगा, ठीक है। तो लिफ्ट एरो के साथ ये मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने ये मतलब ख्याल रखना है कि ये पिक्चर बिल्कुल ये तस्वीर के साथ पैरेलल आ जाए, ठीक है। अब इनकी ये तस्वीरें जो है इनको मैं सेलेक्ट करूंगा, यानी इसको सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के साथ फिर इन दो तस्वीरों को भी सेलेक्ट करूंगा और इनको ड्रैग करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका प्रॉपरली अलाइन हो गया है,
ठीक है। तो इसी तरह आप मुख्तलिफ जो फॉर्मेट से वो अप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर उसमें प्रॉपरली फिर टेक्स्ट अलाइन नहीं हो रहा है तो फिर आपको आप उसको इस तरीके से अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। साइज़ में भी कमी बेशी करके आप इसको अलाइन कर सकते हैं। अब देखिए ये सारे सारा जो टेक्स्ट है ये सेंटर अलाइन है, मैं चाहता हूँ कि नहीं ये लेफ्ट अलाइन हो जाए, ठीक है। तो ये मैं इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ, ठीक है। अब तमाम टेक्स्ट जो है ये लेफ्ट अलाइन है। सपोज़ मैं इसका एक और इसका फॉर्मेट चेंज करता हूँ, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट देखें, इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है। इसमें ये टेक्स्ट देखिए ये साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं इसके साइज़ में अगर कमी करता हूँ तो भी ये टेक्स्ट प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको रखता हूँ 16, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसी तरह आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।